हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, रसगुल्ला तो किसको नहीं पसंद आता है, और घर का बना हुआ मिल जाए तो और इससे अच्छा क्या है। और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा फ्रेंड घर में। आप बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है जो मैं आपको सारे ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। अगर आप कभी नहीं बनाए तो पहली बार में भी आप सही बना लेंगे। बिल्कुल आपको मैं समझा कर दिखाऊंगी। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा फ्रेंड, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो बढ़ा बढ़ा कर देखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। कोशिश करने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड, आप वीडियो को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। अगर कभी भी नहीं बनाएगा तो भी आपका सही बनेगा। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर ले ली हूँ, पैकेट वाला दूध है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, फुल क्रीम नहीं लेना है, आपको टोन नहीं लेना है। अगर आपके पास घर का गाय का दूध है तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है गाय का दूध तो आप ये पैकेट वाला ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसको हमें 1 बॉइल आने देना है। 1 बॉइल जैसे ही आएगा, मैं यहाँ पर बंद कर दी हूँ मशीन को, और इसके बाद हमें 5 मिनट के लिए इस तरह से किसी भी चीज से, आप चम्मच से, कलछिल से, इस तरह से चला करके हल्का सा इसको ठंडा करना है। ठंडा ज्यादा नहीं करना, बस आपको टाइम से 5 मिनट के लिए इसी तरह से चलाना है। आपको छोड़ना नहीं, अगर छोड़िएगा तो मलाई इसमें आ जाएगा। तो आपको ये भी ट्रिक, पहला ट्रिक है, तो आप पहला ट्रिक का जरूर फॉलो करें। उसके बाद दूसरा ट्रिक है, यहाँ पर आप विनेगर या नींबू का जूस कुछ भी लें। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पर विनेगर और 2 चम्मच इसमें पानी डाल रही हूँ, नॉर्मल पानी डालिए। और बस हमें इसे एक एक चम्मच करके डालते जाना है। थोड़ा सा आपको इसका दूध लेना है और उसी दूध के ऊपर डालना है, फिर से अंदर इसको डाल देना है। ये दूसरा ट्रिक है। और आपको जब तक इस तरह से इसको करना है, इस तरह से आपको मैं बताती हूँ, जब तक इसका एक ग्रीन पानी न दिख जाए, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से करते जाना है। यहाँ पर बिल्कुल हरा पानी हो जाएगा तभी आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर इतने में ये बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। और वीडियो अगर पसंद आई फ्रेंड, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है फ्रेंड, बिल्कुल फ्री में होती है लाइक। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल ये पानी ग्रीन हो गई है। बस इसी तरह से आपको दूसरा ट्रिक समझ लेना है। और अब हमें क्या करना है, एक किसी भी स्टेनर ले लें, छन्नी, उसके ऊपर कॉटन के कपड़ा लगा दें और उसके अंदर हमें डाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए सारा मैं छेने को डाल दे रही हूँ। और अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ठंडा पानी से धो लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम 2-3 पानी से धो लेंगे ताकि इसका जो भी खटास होगा वो निकल जाएगा और ये ठंडी भी हो जाएगी अच्छी तरह से हम धो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, एक मोटरी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल पानी इसको हमें निचोड़ लेना है, ऐसे हाथ से दबा दबा करके। तीसरा ट्रिक आपको ये भी समझना है, बिल्कुल बूंदे बूंद पानी इसका हमें निकाल लेना है, पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। अब हम एक मोटा टॉवल ले लिए हैं, आपको ये बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है फ्रेंड। अगर आप बीच में बढ़ा चढ़ा कर देख लीजिए तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और मोटे टॉवल के अंदर हम इसे लपेट देंगे ताकि जो भी इसका पानी होगा ना इसमें आ जाएगा और इसका पानी एक एक बूंद बिल्कुल एग्जॉर्ब कर जाएगा इस टॉवल में। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से कोई सा भी भारी चीज ले लें उससे आप दबा कर छोड़ दें। मैं यहाँ पर एक पत्थर का चकला ले ली हूँ, उससे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिए। तब तक आप दूसरा काम कर लें, लेडीज लोग का बहुत काम होता है घर में। यहाँ पर देखिए उतना टाइम में मैं अपना बर्तन वगैरह था वो धो ली थी। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो गई है, अब इसको मैं दिखा रही हूँ आपको। हम बहुत ही आसानी तरीके से दिखाएंगे फ्रेंड, और बहुत लोग हैं कि हाथ से इसको मसल कर चिकना करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। आपको हाथ से ज़्यादा करने की भार नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर आसान तरीका मैं दिखाऊंगी। इसको मैं बाहर निकाल ली हूँ कपड़े से इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हाथ से नहीं मसलेंगे, ऐसे हाथ से भी आप मसल सकते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। आप एक मिक्सी जार लें जो छोटा वाला होता है ना, जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं, उसमें हमें डाल करके एक बार हमें मिक्सी चला लेना है। बहुत ही जल्दी झटपट से सॉफ्ट हो जाती है। तो कितने लोगों का क्या होता है फ्रेंड कि गीला हो जाता है, अगर उस ऐसे गीला हो जाए तो आप क्या करें, एक चम्मच थोड़ा सा आरा रोट के आटा या कॉर्नफ्लोर डाल दो, वो भी नहीं है तो आप मैदा या सूजी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ गीला नहीं हुआ क्योंकि मैं एक एक ड्रॉप पानी सुखा ली थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेना है हाथ में, इसकी हमें बॉल्स बना लेनी है। तो रसगुल्ला थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है फ्रेंड, तो आप थोड़ा बड़ा बड़ा बॉल्स बनाए, क्योंकि बॉल बनाइएगा ना इससे डबल साइज का हो जाएगा। तो मैं इतना ही बड़ा बनाई हूँ, काफी है क्योंकि इसका साइज अभी बनने में बड़ा होगा। अब यहाँ पर आपको एक और ध्यान देना है ट्रिक, यहाँ पर कोई सा भी आपको बर्तन लेना है उसमें आपको नाप करना है। तो मैं यहाँ पर एक कप ले ली हूँ, जिससे मैं
एक कप चीनी ले ली हूँ और अब पानी डाल रहे हैं। कप डाले हैं 2 कप, अरे 3 कप। आपको इसका भी ध्यान देना है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर टोटल 6 कप पानी डाली थी फ्रेंड, 1 कप मिस हो गया, नहीं दिखाया वीडियो में, बट मैं यहाँ पर 1 कप चीनी में 6 कप टोटल पानी डाली थी। और हम यहाँ पर मशीन को ऑन कर दे रहे हैं, मशीन या गैस जिस पर आप बनाए। अब हमें क्या करना है, चीनी को हमें मेल्ट कर लेना है। ये भी एक ट्रिक है फ्रेंड, इसको भी आपको फॉलो जरूर करना है, बहुत अच्छा बनेगा रसगुल्ला आपका। अब जैसे ही मेल्ट होगा चीनी, हम यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं। अब आधा पानी हमें, चीनी वाला जो पानी है ना, उसका आधा पानी हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है, बहुत टेस्टी बनेगा फ्रेंड। आप पहली बार में ही अच्छा बना लीजिएगा, आप बात मानिए, यकीन मानिए। अभी होली भी आ रही है, कोई सा भी फेस्टिवल हम बनाइए, मेरे यहाँ तो बच्चे ऐसे भी किसी भी टाइम पे बनवा करके खाते। अब बचा हुआ पानी यहाँ पर देखिए, जो आधा निकाली हूँ, इसको हम फ्रीज में रख देंगे, ठंडा कर देंगे। अगर फ्रीज नहीं है तो आप पंखे के हवा के नीचे रख दे, ठंडा कर दे। और आधा पानी जो है हमारा चीनी वाला, उसको हम पकाएंगे। तो इसमें अच्छी तरह से हमें बॉयल आना है, इसमें चाशनी उशनी नहीं लाना है। बस जैसी बॉयल आएगा उसके अंदर हमें इस रसगुल्ला को डाल देंगे। तो आपको एक बार में रसगुल्ला नहीं डालना है फ्रेंड, नहीं तो इसका कुकिंग जो है वो रुक जाएगा। इसको कुकिंग रुकना नहीं चाहिए, बस एक एक करके हम डालेंगे, थोड़ा रुक रुक करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ, ये भी आपको ट्रिक समझना है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके आपको डालना है, इससे क्या होगा ना, इससे कुकिंग नहीं रुकेगा। और आपसे फिर से एक बार याद दिला देती हूँ फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर देखिए सारे रसगुल्ला डाल दिए। अब 5 मिनट के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, खुले में इसी तरह से तेज आंच पर पकाना है। तो मुझे थोड़ा सा ना लग रहा था ना कि मशीन पर थोड़ा अच्छा से नहीं पक रहा है, तो मैं इसको अब गैस की तरफ ले चलती हूँ। गैस पर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इसकी कुकिंग बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये मशीन पे थोड़ा अच्छा मुझे नहीं लग रहा था कि पक रहा है, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर दी हूँ गैस पे। अब तेज आंच पे 5 मिनट टोटल टाइम हमें देख लेना है, आप घड़ी का टाइम देख लें और टाइम से 5 मिनट के लिए खुले में आप इसको पका लें। आपको फैल सा भी कोई सा भी बर्तन लेना है, फैल सा बर्तन में पकाएं। और 5 मिनट जैसे ही हो जाएगा फ्रेंड, आपको इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपको 5 मिनट तक फिर से टाइम दे करके आपको पका लेनी है इसको। तो यहाँ पर 5 मिनट कवर करके हमें पकाते हुए हो गया। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल डबल साइज में हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार पलट लेते हैं। तो टोटल हमारा 10 मिनट हो गया है रसगुल्ला पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से पलट लेते हैं। तो एक बार बीच में आप जरूर पलटिएगा, आप एक एक टिप ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा रसगुल्ला बनेगा, और पहली बार में आप बना लीजिएगा बहुत अच्छा। बहुत ही आपको इसी तरह से बारीकी से मैं समझा रही हूँ, और वीडियो को मैं फुल वॉच करने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ, फुल वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझाई हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएगा। अगर आप फुल वीडियो देखे होंगे तो, अगर बढ़ा कर देखे होंगे तो नहीं समझ पाएगा। इसके बाद हम फिर से इसको ढक करके 5 मिनट के लिए फिर से हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट फिर से मैं इसको ढक कर पका ली हूँ, और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको क्या करूँगी, इसको फुल फ्लेम पे ही पकते रहने दूंगी, गैस को नहीं बंद करना है और पकते रहने देना है, गैस चालू ही रखना है। और इसे हमें पकते हुए भर में इस ठंडे पानी में निकाल लेना है, जो मीठा पानी था ना हमारा, जो आधा पतला वाला पानी निकाली थी, वही ठंडा पानी में इसे हमें डाल देना है। यहाँ पर देखिए अब इसको हमें क्या करना है, फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर फ्रिज में हम रख देते हैं, क्योंकि रसगुल्ला डालने के बाद ये थोड़ा गर्म हो गया है पानी, अब आपको इसको ठंडा कर लेना है। और जो बचा हुआ हमारा चाशनी है, उसको हमें थोड़ा गाढ़ा करना है। तो हम 1 कप इसको कर देंगे, क्योंकि एक कप चीनी डाली थी, तो 1 कप के जितना हमें इसको सुखा कर पानी को कर लेना है, यानी कि इसका पानी हमें मीठा कर लेना है। थोड़ा सा इसको हमें चाशनी टाइप पे बनानी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से तेज आंच पर हम छोड़ देंगे, जब तक ये अच्छी तरह से 1 कप बन ना जाए, अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, बॉइल होते होते सूख गया है, पानी दिख रहा होगा आपको भी। बस इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अब गैस को कर देंगे बंद, और बंद करके इसको भी हमें ठंडा कर लेनी है बहुत ही अच्छी तरह से। इस पानी को भी आप ठंडा कर लें। तो यहाँ पर देखिए ये पानी भी ठंडी है, रसगुल्ला वाला भी, और दूसरा वाला पानी जो हमारा गाढ़ा था, जो चाशनी वाली, ये भी हम ठंडा कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो चाशनी वाला पानी है ना गाढ़ी, ये बहुत ही मीठी पानी है, और ये पतला पानी था तो मीठा नहीं था, तब इस हम पानी को डाल देंगे इस रसगुल्ला वाले पानी के अंदर, ताकि रसगुल्ला भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से मीठा हो जाए। तो यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं,
फिर से आपको याद दिला देती हूँ फ्रेंड, प्लीज वीडियो लाइक नहीं किया होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप भी जरूर बनाइए इस होली में। आप होली दशहरा किसी भी फेस्टिवल मनाइए, ऐसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ढक करके 2 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज नहीं है तो क्या करिए, बाहर भी आप छोड़ सकते हैं, 2-4 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, बट इसको ठंडा करना है थोड़ा। यहाँ पर 2 घंटा के लिए फ्रिज में छोड़ने के बाद हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से कुछ दिखेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से खाने के लिए तैयार है फ्रेंड। आप चाहें तो इसको 7 से 8 घंटा के लिए छोड़ सकते हैं, बट मेरे बच्चे देख लेते हैं ऐसा बनते हुए, तो उन लोग के ज़्यादा रहा नहीं जाता है उन लोग से, तो उन लोग परेशान हो जाते हैं खाने के लिए, तो मैं इसे ज़्यादा देर तो नहीं रखी थी। थोड़ी देर के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही जूसी बना था फ्रेंड। तब इसको हम निकाल करके दूसरे बाउल में रख लेते हैं। तो यहाँ पर सारा हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसका चाशनी वाला पानी भी डाल देते हैं साथ में। बहुत ही जूसी रसगुल्ला बन करके तैयार है फ्रेंड खाने के लिए। यहाँ पर मेरा ये छोटा वाला बेटा का काफ़ी फेवरेट है रसगुल्ला, तो काफ़ी दिन से बोल रहा था बस आप अपनी पसंद के बनाते हो मम्मी, क्योंकि आपका पसंद गुलाब जामुन है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले गुलाब जामुन बनाई थी, तो उसने बोल रहा था मेरा पसंद का तब बनाते नहीं हो, तो आज उसको हमें बना करके देने पड़ा। और यहाँ पर देखिए, उसको भी पता नहीं है, अगर जान जाएगा तो तुरंत आ करके खाने के लिए परेशान हो जाएगा। मैं ही चुप्पे बना रही, नहीं तो देख लेता है ना, तो फिर बोलता है कब तैयार होगा कब तैयार होगा, मतलब पीछे पड़ जाते हैं। इतनी गर्म में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर ठंडा ही में ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से कट करके आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा अंदर से जाली दिख रहा है। तो उसको मैं बुला रही हूँ, बहुत ही खुश हो जाएगा, देखेगा तो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, सरप्राइज है उसका। मैं उसको दिखा करके हाथ से मैं अपना छीन रही थी कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मेरे से छीन रहा, तो नहीं मेरा ही है ये।